छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीजी बीएससी नर्सिंग में एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, आप लोगों का काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले आप लोगों को जो है बीएससी नर्सिंग से जुड़ी सभी जानकारी आप सभी को मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो है कितने बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं और छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की कितने सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के, और आपको जो है काउंसलिंग कैसे करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं और आपको जो है कुछ ही कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आपको कॉलेज जो है कैसे सिलेक्ट करना है और छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग में कितने रैंक वालों का जो है आपका सिलेक्शन होगा और गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस कितना रहता है, प्राइवेट कॉलेज का जो है फ़ीस कितना रहता है, तो सभी जानकारी आप सभी को मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट ने अपना कमेंट किया है कि हमारा रैंक कितना है, प्लीज़ बताइए कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट ने अपना कमेंट किया उन सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते ही नहीं और आप लोगों का कमेंट जो आपने कमेंट किया रहता है उनका मैं जवाब रिप्लाई करता हूँ, और आप फिर नेक्स्ट बार जब वीडियो अपलोड करता हूँ फिर सेम आप कमेंट करते हैं कि प्लीज़ बताइए। तो आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपका कमेंट का भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और मैंने आपको बताया कि कितने सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, काउंसलिंग कैसे करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिए, सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गजाधर साहू का क्वेश्चन है कि सर मेरा ऑल ओवर रैंक 3367, कैटेगरी रैंक 1233, ओबीसी, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता? ये ओबीसी कैटेगरी वाले हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है नहीं मिल पाएगा। सॉरी गजाधर साहू, आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इनका क्वेश्चन है कि सर मेरा ऑल ओवर रैंक 1227 है और कैटेगरी रैंक 498 है, ओबीसी से क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज तो शायद मिल पाएगा, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और सुशीला जायसवाल का क्वेश्चन है कि सर मेरा ऑल ओवर रैंक 700 और ओबीसी कैटेगरी रैंक 310 है, तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो आपको कॉलेज जो है मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए सुशीला जायसवाल, आपको कॉलेज मिल जाएगा। कपिल राम का क्वेश्चन है सर मेरा टोटल रैंक 703 है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एसटी कैटेगरी? तो जी भाई कपिल, आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में भी आपके कमेंट का रिप्लाई किया हूँ, यार तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करो, तब आप लोगों को सभी चीज़ें जो है सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने पहले भी आपका कमेंट का रिप्लाई कर दिया था। आकांक्षा का क्वेश्चन है कि सर मेरा ऑल ओवर रैंक 3098 है और फीमेल कैटेगरी रैंक 998 है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो मैं आपको बता दूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और इनका क्वेश्चन है कि सर मेरा ऑल ओवर रैंक 11018 और कैटेगरी रैंक 1730 एससी, फीमेल रैंक 9673 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। जागृति साहू का क्वेश्चन है सर मेरा ऑल ओवर रैंक 489 हैं और फीमेल रैंक 402 हैं, मेरा रैंक 511 है, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, प्लीज़ बताइए कि कॉलेज मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, आपको जागृति कॉलेज मिल जाएगा। मंजू पटेल का क्वेश्चन है कि सर काउंसलिंग के लिए कितना फ़ीस लगता है ओबीसी कैटेगरी के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग का फ़ीस तो सेम रहता है, लेकिन पिछले बार क्या हुआ था कि आपके परसेंट के हिसाब से जो है सिलेक्शन हो गया था, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि आपको फ़ीस कितना है, आपको काउंसलिंग कब करना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो कई बार थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है फीस में, लेकिन लगभग वही रहता है। तो काउंसलिंग का वेट कीजिए और आपको पता चल जाएगा। गीता का क्वेश्चन है सर मेरा नेम गीता है, ठीक है, एसटी से हूँ, मेरा ऑल ओवर रैंक 2339, कैटेगरी रैंक 731, फीमेल रैंक 1994 है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि बात रहा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, तो आपका जो है कैटेगरी रैंक जो है बहुत अच्छा है, लेकिन ऑल ओवर रैंक बहुत ज़्यादा है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस कम है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। आकाश कुमार का क्वेश्चन सर मेरा 2700 है, तो प्लीज़ बताओ कॉलेज मिलेगा? तो भाई आप हर वीडियो में कमेंट करते हैं, लेकिन आप अपना कैटेगरी, मार्क्स
ऑल ओवर रैंक जो है बताते नहीं, सिर्फ 2700 लिखते हैं, तो इसे कैसे बता सकता हूँ यार। तो सभी चीज़ें आप जो है बताया कीजिए और हर कमेंट में आपका रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम पड़ता ही नहीं, आप लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाता। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। कुलदीप का क्वेश्चन है, ऑल ओवर रैंक 1400। भाई पिछले बार भी तुम्हारा क्वेश्चन का रिप्लाई किया था यार, तो गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा कुलदीप, प्राइवेट मिलेगा। पूजा पटेल का क्वेश्चन है, अगर काउंसलिंग में मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं तो क्या प्राइवेट कॉलेज का फीस सेम रहता है कि कम होता है? तो मैं आपको बता दूं पूजा जी कि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस जो है कम रहता है आपका, 30 से 35 हज़ार में 2 सेमेस्टर जो है आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की, तो आपका जो है 75 से 70 से लगभग 80 से 90 हज़ार रुपया लग जाता है प्राइवेट कॉलेज में। मुस्कान का क्वेश्चन है, सर मेरा ऑल ओवर रैंक 3155, कैटेगरी रैंक 512, एससी वाले हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। संतोषी पटेल का क्वेश्चन है, सर मेरा ऑल ओवर रैंक 6386 एंड कैटेगरी रैंक 2200, ओबीसी, कॉलेज में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा आपका कॉलेज में सिलेक्शन। सेम है पूजा पटेल का कि इतना ही है, तो प्राइवेट कॉलेज का चांस है पूजा जी, गवर्नमेंट का कोई चांस नहीं है। सरोजनी का क्वेश्चन है, हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा नेम सरोजनी, ओबीसी कैटेगरी 10000। क्या सर जी मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या सर जी, या नहीं प्लीज़ बताइए? तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपका रैंक बहुत ज़्यादा है। संतोष खुटे का क्वेश्चन है, सर मेरा ऑल ओवर रैंक 4636 और कैटेगरी रैंक 740 है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? मैं एससी से हूँ। तो भाई कौन सा कॉलेज मिलेगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप काउंसलिंग करते हो उस समय आपको कॉलेज जो सिलेक्ट करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज एक ही या दो ऑप्शन को सिलेक्ट करना, बाकी आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज भले मिल पाएगा। अनुजा मरकाम का क्वेश्चन है, सर मेरा ऑल ओवर रैंक 4203, एस टी कैटेगरी रैंक जो है 1411 है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट के लिए ट्राई कीजिए। हाँ तो प्राइवेट में अगर 82 नर्सिंग कॉलेज है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में, तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं प्राइवेट के लिए। और इनका बसंती का क्वेश्चन, सर जी काउंसलिंग कब से होगा? तो काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सर जी ऑल ओवर रैंक 7294, तो नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ईश्वरी वर्मा का क्वेश्चन है, सर मेरा ऑल ओवर रैंक 2421 एंड कैटेगरी रैंक 899, फीमेल रैंक 752, ओबीसी से हूँ। तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इनका क्वेश्चन है, ऑल ओवर रैंक जो है 766, कैटेगरी रैंक 317, सर विद दिस रैंक कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज? तो जी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा गुप्ता का कि सर मेरा ऑल ओवर रैंक 16030 है और कैटेगरी रैंक 5549 है और मैं ओबीसी में आती हूँ, तो क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? तो आपका इतना रैंक बहुत ज़्यादा है सीमा जी, आपको गवर्नमेंट क्या, आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा, आपको सॉरी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा रैंक है आपका। एस वर्मा का क्वेश्चन है, सर मेरा ऑल ओवर रैंक 2421 है, कैटेगरी रैंक ओबीसी से, तो गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट कॉलेज में चांस है। दीप्ति चतुर्वेदी का क्वेश्चन है, सर जी मेरा रैंक ऑल ओवर जो है 287 है, कैटेगरी रैंक 50 है, फीमेल, तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज नहीं, दोनों में चांस है आपका, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों नर्सिंग कॉलेज में, तो आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए, कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। इनका क्वेश्चन है राज का, सर ऑल ओवर रैंक 9476 एंड कैटेगरी, तो भाई आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा और ना ही प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस है। इनका क्वेश्चन है, सर मेरा ऑल ओवर रैंक 436 है और ओबीसी रैंक 192, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो मिल जाएगा आपको। अमृत कुमार का क्वेश्चन है, सर मेरा मेरिट रैंक 16761 है, कैटेगरी जनरल, क्या कॉलेज मिल सकता है? नहीं मिल सकता आपको कॉलेज। संध्या का क्वेश्चन है, सर मेरा ऑल ओवर रैंक 12757 है, कैटेगरी रैंक, तो आपको भी गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा और नहीं प्राइवेट मिल पाएगा।
सरला का क्वेश्चन है सर, मेरा रैंक 214 है और ऑल ओवर रैंक 2984 एसटी, तो आपको कॉलेज मिलने का चांस है। मनसा का क्वेश्चन है, मेरा नेम कान्या जायसवाल है एंड सर ऑल ओवर रैंक नहीं मिल पाएगा आपका, 18048 रैंक है। विमला गुप्ता का क्वेश्चन है सर, मेरिट रैंक 455 है, तो आप अपना कैटेगरी रैंक ऑल ओवर रैंक मार्क्स बताइए, सिर्फ मेरिट रैंक नहीं। राजकुमार का क्वेश्चन है सी जी बी एस सी बी एड या बी एस सी का पूछ रहे हैं। दीपांशु का क्वेश्चन सर, मेरा ऑल ओवर रैंक 5810 है और एसटी से, तो सॉरी भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लवलीन का क्वेश्चन है, मैं जनरल से हूँ, मेल नर्सिंग वाले स्टूडेंट को क्या गवर्नमेंट? तो ऐसा बात नहीं है, आप मेल हो तो फिर भी आपका अगर रैंक बहुत ही अच्छा रहेगा तो आपको क्यों नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। वहीं बात करें प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की, तो फीस दोनों का सेम रहता है आपका, लगभग 70 से 90 हज़ार लगेगा। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें गवर्नमेंट नर्सिंग के, तो 35 हज़ार जैसे मैंने आपको बताया। और मैं आपको बता रहा हूँ जो 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में, 7वें नंबर पर हैं, ये हैं पटेल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पद्मन, पटेल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर ये दुर्ग में है। 6 नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आईपीपीपी ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव में। और 5 नंबर पर हैं बेला डूला रोड नियर बीएसएनएल ऑफिस रायगढ़ में। फिर है नामना रिंग रोड अंबिकापुर महारानी हॉस्पिटल कैंपस जगदलपुर में, गोंडा पारा सदर बाजार बिलासपुर में। उसके बाद फर्स्ट टर्म आता है मेडिकल कॉलेज कैंपस नियर रोड क्रॉस ब्लड बैंक रायपुर सीजी में है। तो ये छत्तीसगढ़ के 7 जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के, जहां आप एडमिशन ले सकते हैं और अच्छे हाई एजुकेशन में आप जो है पढ़ाई जो है आप कर सकते हैं। और वहीं बात करें कि काउंसलिंग आपको कैसे करना है, तो काउंसलिंग का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ चेक कीजिए और आपको काउंसलिंग कैसे करना है इसकी भी जानकारी आप सभी को मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।